हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज भी हूँ मैं नागपुर पे, और आज हम जा रहे हैं नागपुर के ताजबाग, क्योंकि मेरा बहुत मन था ताजबाग जाने का। और मेरा फ्रेंड भी कभी गया नहीं था ताजबाग या दरगाह वगैरह, कभी नहीं गया था। तो आज मैं बोला चल मेरे साथ चल, तो उसको लेके गया था मैं ताजबाग। पर यह ताजबाग का एरिया नहीं है, ये है मेरे फ्रेंड के घर के पास का एरिया, मार्केट वगैरह है या वहाँ का। तो अब देखो आगे का कैसा है। तो और ये अभी हम पहुंच चुके ताजबाग, और अब देखो हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है। तो अंदर जाने के बाद चल इधर जाने का अपने को। ना भी हमारे इसमें नहीं रहता ऐसा कुछ क्राफ्ट कुछ का दरगाह में। और अभी यहाँ पर हो रही थी अजान, और यहाँ पे मैं बड़े मुश्किल से शूट कर रहा हूँ मैंने इतना, क्योंकि यहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं है, ना ही फ़ोटो देने की परमिशन है। मैं जितने भी मोबाइल निकाल रहा था ना शूट करने के लिए, कोई ना कोई देख ले रहा था और बोल रहे थे कि मोबाइल अंदर रख। अभी देखो पीछे कोई खड़ा था, उनने बोल दिया था मोबाइल अंदर रख, तो मैंने रख दिया था, फिर बंद कर दिया था शूटिंग। और जब मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ ना, जब मैं पहले आता था तो यहाँ पे ये नहीं था, ये मस्जिद है शायद नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं को लगा कुछ होगा नया बनाऊंगा, तो अपने फ्रेंड को मैं वहाँ पे लेके जा रहा था कि चल वहाँ पर भी देखकर आ जाते करके। फिर देखा तो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, फिर आधे रास्ते सीढ़ी पे चढ़ते ही वापस हो गए हम। देखो अभी हो गया था शाम का टाइम हाँ, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो देखो कितना अच्छा लग रहा था ताजबाग अभी लाइटिंग के साथ। और सोचो जब रात होंगी तब कितना अच्छा लगेगा ताजबाग। हम रुक सकते नहीं थे क्योंकि हमारे बस का टाइम हो रहा था, और हम उसी दिन जिस दिन आए थे ना ताजबाग, उसी दिन हम वापस यानी रिटर्न जा रहे थे तो अपने गाँव साकोली, तो इसलिए हम देख नहीं पाए। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ताजबाग का, और रात को तो और बहुत अच्छा दिखता है, पर अब टाइम नहीं था हमारे पास, तो हमको पूरा घूमने का था ताजबाग। तो फिर हमको लग चुकी थी भूख, तो हमने यहाँ बहुत जगह एक दुकान में पूछा मैंने कि यहाँ पे अच्छी बिरयानी कहाँ पे मिलेगी। तो वो दुकान वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे मिलेगी सद्दम बिरयानी करके। यहाँ पर आए तो यहाँ पे अच्छी नहीं लगी हमको बिरयानी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने पार्सल लेके गया था यहाँ से चिकन तंदूरी, वो अच्छी लगी थी।
पर बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसमें दाल भी उसने बिरयानी वाली नहीं दिया था, ना ही चावल में बिरयानी का टेस्ट आ रहा था। ये देखो लग रहा है क्या चावल बिरयानी है करके, ये हमारा पूरा भूख लगी थी इसलिए हमने खा भी लिए। ये तो खाते भी नहीं, यानी खाना तो पड़ता था, ऑर्डर दिए थे तो, पर हमको अच्छी नहीं लगी थी। फिर हो गया था हमारा जाने का टाइम, ताजबाग से निकलने का टाइम। फिर हम निकल गए थे ताजबाग से, अब हमने घर पे गाड़ी रख दी थी स्कूटी। फिर हम जा रहे थे बस्ती ऑटो पे बैठकर बस बोल रहा हूँ हम फिर जा रहे थे ऑटो पे बैठकर कहाँ पर जा रहे थे, बस स्टॉप अपने साकोली के लिए। उसके आगे का तो मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो चुकी थी ऑटो पे ही। तो अगर आपका आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो प्यारा। तब तक के लिए बाय।